बॉस का फोन आया कि जी शिकागो में एक जगह से दूसरा ट्रक पिक करना है, एटलीस्ट आप आज पिक करके ले आओ तो उसको सेटमेंट करें, देखते हैं कि उसकी हालत है। ओके जी, ये है जी हमारा ट्रक, आज के बाद हम ये वाला ट्रक चलाएंगे जी। ओके जी, ट्रक पिक कर लिया यहाँ से, तो इसको छोड़ेंगे जी अपने दूसरी यार्ड में। देख लीजिए शिकागो की ट्रैफिक, ओए होए होए, बुरा ही हाल है। अभी जीरो लेंस में गाड़ी चलाना और ट्रक चलाना देख ले। सायरा जी, ट्रक के बिल्कुल पास से गुजर रहे हो, डर तो नहीं लग रहा? ये देखे ज्यादा, क्योंकि मैं तो अच्छी ड्राइवर हूँ ना, वो ट्रक वाला पता नहीं कैसा हो। एक है नली निहारी और एक है मगज बोल गया ना, ये मगज है ना, और साथ में ये मजेदार ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, ट्रका वालों की हालचाल, मैं हूँ कामरान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस जॉन। तो जी, जैसे आपको पता है कि जी हम डेनवर से कहाँ से रेंट कार करके मिलवाकी पहुँचे, कल शाम को गाड़ी ड्रॉप ऑफ की, सामान वगैरह सारा सेट किया, ट्रक में से कल वाला सामान सारा उसको भी सेट करना था यहाँ पे। तो जी काफ़ी थक चुके थे, टायर्ड थे, तो शाम को जब हम घर पहुँचे, खाना खाया और बस सो गए। और अभी उठे जी तो मैंने देखा जी सायरा कमरे में नहीं, किचन में होगी, तो चले ज़रा किचन में चलते हैं। ओए होए, सही टाइम थे, मैं आया अभी, बिल्कुल सही टाइम थे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी जी, क्या हाल चाल है? देख लीजिए सायरा जो अपनी शिफ्ट पे, अपनी ड्यूटी पे है। सही है, ट्रक में हो तो कामन का नाश्ता, घर हो तो नाश्ता। अच्छा जी, मेरा नाश्ता बन रहा है, सही बात है भाई। क्या नाश्ते में क्या जी? ब्रेड, अंडा, चाय। हाँ सही है, सही है, अभी यही दिल कर रहा था खाने को, चाय बनी है ना, आए हाय घर की चाय तो मिस करते हैं। वैसे चाय तो मैं बुरी नहीं बनाता ट्रक में सायरा, आपको बताइए, हमेशा मैं ही बना के देता हूँ आपको ट्रक में चाय। हाँ जी जी, आप लोगों को पता है कि कल हम कितना थक गए थे, से घर पहुंचे शाम को, खाना खाया और बस सब लोग भी सो गए थे। जी मैंने बता दिया जी। अभी उठे हैं नाश्ते के लिए, और जो घर के काम है जी वो निपटाने हैं, बड़े हमारे काम करने वाले हैं, जब घर आ जाए तो फिर घर के काम जो है ना, अच्छी बिजी बिजी है, कार भी बिजी, बार भी बिजी है, ट्रक वाले नु रेस्ट कोई नहीं, यही रेस्ट है बस। तो चले जी नाश्ते की टेबल पे मिलते हैं आपको। ओके जी, ये है जी हमारे आज घर का नाश्ता, सिंपल एंड ताजी गजा। बाकी ताजा गजा घर का है तो जी, अंडा ब्रेड भी मजेदार है जी हमारे पास, क्या क्या है जी, अंडा ब्रेड, बॉयल एग, जैम वगैरह सब कुछ है जी। बॉयल एग्स को जी बड़ा मिस किया जाता है ट्रक में, क्योंकि मैं शौक से खाती हूँ, मिलता है बाहर बॉयल एग, लेकिन वो ठंडा अठा है, ठंडा होता, फ्रेश भी नहीं होता ना, फ्रेश के तो अपनी मजा ना। तो हम अगर आपको पता है पाकिस्तानी स्टाइल, थोड़ा जो फ्रेश फ्रेश चीजें, ज्यादा जो पुरानी चीजें वो खाई नहीं जाती। तो थैंक गॉड घर आ गए हैं, नाश्ता करते हैं, तो बाकी की डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि आज का सारा दिन हमारा घर में कैसे गुजरता है। चलो जी मिलते हैं आपको। तो जी नाश्ता पानी हो गया जी, और देखिए तो तैयारी चल रही जोरों शोर से। आज जी हम रेडी शेडी हो गए, हम जाने लगे हैं जी बड़े खास काम के लिए। जी आज दो काम है, दो दो काम है, दोनों काम बड़े खास। अच्छा जी, पहला काम तो ये है कि जी मैंने अपना सूट स्टिचिंग के लिए दिया था, उसको ट्राई आउट के लिए जाना। बताया ना जरा, वो दिया क्यों था, कितने जा रहे थे पैंट कोट पाके? जी जैसा कि बताया था कि मेरी कजन सिस्टर की शादी है, तो शादी में जी मैं हूँ जी ग्रूम्समैन और सायरा है जी ब्राइड्समेड, और मैंने अपना ड्रेस जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर चुकी हुई हूँ, वो आ जाएगा मुझे नेक्स्ट वीक में जी। इधर तैयारी नहीं खत्म हो रही जी, तैयारी की यार, लास्ट छुट्टी में मैंने अपना सूट स्टिचिंग के लिए दे दिया था, तो उसको उनकी कॉल आ चुकी है एक दो हफ्ते पहले की आई है कि आज आए आए हैं ट्राई ऑन कर ले, ट्राई ऑन हमारे पास टाइम ही नहीं, तो जी आज पहले तो जाके वो ट्राई ऑन करेंगे, और उसके बाद सानू राम नहीं है, पाए ट्रक खराब है। और उसके बाद जी बॉस का फोन आया कि जी शिकागो में एक जगह से दूसरा ट्रक पिक करना है, एटलीस्ट आप आज पिक करके ले आओ तो उसको सेटमेट करें, देखते हैं कि उसकी हालत है, तो बाद में देखेंगे क्या बने, मे भी कल हम वापस चले जाएं या परसों चले जाएं,
लेकिन अभी जी दो काम बड़े जरूरी है। हाँ जी। एक ते जी मुंडे नु पेंट कोट ट्राई कराना है, दूजा असि ट्रक चुकना है। हाँ जी, बल्कि सैम नु भी चुक लेंगे रस्ते। ओ हाँ सर, उसको भी पिक करना है, वो कहता है मुझे साथ लेके जाना है। वो कहता है सुबह जब भी उठोगे आप मुझे कॉलेज से पिक कर लेना। उसको पहले करेंगे कॉलेज से पिक। हाँ जी, अगर सायरा की तैयारियां हो जाए तो। हो गई है कामन, हो गई है, हो गई है। उसी रा मनु तैयार हो सारा घर आ किसी ज्यादा फ्रेश नहीं लगते। नींद नहीं अजे तक पूरी हुई, रात पहुंची मौसम देख लीजिए बारिश वाला हुआ यार सारा, ये भी क्या अजीब बात है। अब हम बारिश नहीं हमारी जान छूटती। चले चलते जी। यार गाड़ी सर्विस करवानी थी और ये जो मौसम है ना, ये हमें कोई ना काम नहीं करने देता। ये कहते बस इजी पीजी होके ना काम पे रो आप। हो गई सर्विस, ये लो ये देखो जी, नेचुरली होगी जी आपकी गाड़ी की सर्विस। कैसा फील हो रहा है जी अपनी गाड़ी चला के जी पूरे एक महीने के बाद? हाँ, कामन सही बात है। तो बात कुछ ऐसी है जी, देख ले ट्रक वाले दी लाइफ ठीक है। कल पहुंचे आपने सारी हमारी खज्जल खुआरी जो है आपने देखी कि हम कहां से चले, क्या कुछ हुआ, कितने स्ट्रेस में घर वापस आए। तो कंपनी वाले ने एक रात नहीं आराम से सोन दिया। जाओ जी ट्रक पिक कर। आज हमने सोचा था कि भी ट्रक मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा उनको भी चीजें देखने में सारा कुछ। तो हमने सोचा जी हम इन डेज में कुछ शादी की तैयारी कर लेंगे ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा घर का जरा देखेंगे चीजें, घरेलू मामला भी आपको पता है कि साथ साथ चलते हैं। ओके सर, ये भी तो हमारा जो प्लान था कि नेक्स्ट वीक से वेकेशन पे जाना है, तो वो ठीक है उस हिसाब से हम कोई नहीं ऐसा कर लेते काम। अब एक तो फिर घर आ जाओ ना काम में, वो बेटर ये कि ना बाहर ही रहे। नहीं नहीं, एक तो वो ना जो सारा सामान तक में ना वो शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर वो अगर शादी के बाद फिर दिल्ली करना ही सारे काम करने, अभी भी ये काम हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, बाद में प्रॉब्लम होगी। तो इस चक्कर में भी है कि चलो जा रही है एक हफ्ता ये भी, नहीं बस वो यही प्रॉब्लम है जब कंपनी का भी हम फील करते हैं कि उनका ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। तो चलो है। एक हफ्ता ये दूसरा ट्रक चल जाएगा तो चलो उनकी भी काफी रिकवरी हो जाएगी, तो मसला तो कोई नहीं। हम तो वैसे बात कर रही हूं कि जब घर आ जाए ना, फिर घर आके फिर जो है ना मुश्किल होता है कि कोई और चीजों को देखने, फिर वापस फॉरन काम पे जाना। तो जब आप काम कर रहे होते हो ना ट्रक पे होते, तो पता भी काम करना एक माइंड सेट होता है, इस दिन हमने घर जाना है, कितने डेज के लिए जाना है। इस तरह की जो वोकेशन है ना वो समझ नहीं आती छुट्टी जो है, मुझे तसलसल टूट जाता है ना। हाँ। कहते ना थोड़ा बंदा सुस्त हो जाता है, वो वाला हिसाब है। चले जी सैम को पिक करे जी। सैम बड़ा खुश है, तो जैसे सैम को पता चला ना कि ट्रक पिक करने जा रहा है, उसने सैड हो जाना है। उसने ये ना वो छुट्टियों पे नहीं आए तो ये सरप्राइज सैम के लिए भी है ट्रक वाला। What's up, bro? Hey, how are you? Good morning, Sam. Good morning. कैसा रहा अभी? बहुत अच्छा. अच्छा जी, ये लड़की शड़की को तो नहीं छेड़ता? नहीं, लड़की इसको छेड़ती है, लड़की तो नहीं छेड़ती है। ये ले जी देख ले जरा ट्रक, गाड़ी में से ट्रक का क्या नजारा है, और बारिश भी जी रुकने का नाम नहीं ले रही, सारा माहौल ही खराब कर दिया जी बारिश। तो चले जी आपको मिलते हैं वहाँ पहुँच के, ये कोई है 2 घंटे की ड्राइव, तो वहाँ पहुँच के आपको मिलते हैं जी। ये देख लीजिए शिकागो की ट्रैफिक, ओए बुरा ही हाल है अभी इस जीरो लेंस में गाड़ी चलाना और ट्रक चलाना देख ले। सर एक आपको गाड़ी इजी लग रही है कि ट्रक चलाना ज्यादा इजी लगता है यहाँ पे? दोनों ही मुश्किल है, दोनों ही मुश्किल हुए पड़े हैं स्पेशली इस वेदर में। ऐसे वेदर में शिकागो की ट्रैफिक से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है जी। पिछले आधे घंटे से हम सिर्फ ट्रैफिक में ही है, स्लो स्लो जा रहे हैं हमेशा, हम यहाँ से इन्हीं रस्तों से ट्रक लेके गुजरते हैं जैसे ही जा रहे हैं। ट्रक में हो तो 1.5 घंटा तो कहीं नहीं गया, तो गाड़ी है तो फिर भी चलो। हाँ बस जी, बस पहुँच के कोई
20-30 माइल्स रह गए। सायरा जी, हाँ जी, ट्रक के बिल्कुल पास से गुजर रहे हो, डर तो नहीं लग रहा? ये देखें बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं तो अच्छी ड्राइवर हूँ ना, वो ट्रक वाला पता नहीं कैसा हो। ये देखें जी, ट्रक वालों से डरना पड़ता है। हाँ जी, उसके लिए तो आप कीड़ी हो जी, कीड़ी वो देख लीजिए आप। उसको तो मैं नजर भी नहीं आ रही होंगी कि मैं उसको स्पोर्ट्स लाइन में। Three hours later. Okay, जी, हम तकरीबन 3 घंटे के बाद, 2 घंटे का सफर था तकरीबन, बाकी का टाइम तो ट्रैफिक में लग गया। तो यहाँ से जी हम अपना ट्रक पिक करते हैं, ये पिक यार्ड का एड्रेस भेजा था बॉस ने। लेट्स सी। ये जी 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 सर। हाँ जी 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 जी, चलो भी सही है सर, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। चाबी अंदर ही होगी, चलिए जी देखते हैं अंदर जाके इसकी हालत कैसी है। ओके जी, ये है जी हमारा ट्रक, आज के बाद हम ये वाला ट्रक चलाएंगे जी। ओके जी, ट्रक पिक कर लिया यहाँ से, तो इसको छोड़ेंगे जी अपने दूसरी यार्ड में, ताकि इसके अंदर जरा इसकी साफ सफाई हो, डिटेलिंग वगैरह हो, और इसके जो ELD वगैरह है वो लग जाए, और तब तक फिर हम जरा थोड़ा शिकागो घूम लेंगे। यहाँ से जी बस निकले। हाँ जी, सारा तो शूटर ही आ रही थी, मुझे अभी भूख बहुत लगी है, और हम जरा पहले हल्का फुल्का कुछ खा रहे हैं, उसके बाद की शिकागो से कुछ खाई है। ले जी साथ, ये पहले 2 माइल के बाद स्टॉप है लव ट्रक स्टॉप, यहाँ से कुछ हल्का फुल्का खाने को ले लें पहले, बस यहाँ पे जरा 5 मिनट का स्टॉप करेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे। वो पार्क कर रही है। अच्छा अच्छा, मेरे पास ट्रक है ना जी, तो मैं ये ट्रक वाली साइड पर पार्क कर रहा हूँ, और सायरा उधर पार्क करेंगे। A few moments later. हाँ जी, मैं तो उधर लभी जा रहा हूँ। फोन देखा मैं, नेटफ्लिक्स देखूँ उस पे, और भी फोन किस लिए लेके दिया? कामन, फोन किस लिए आपको लेके दिया? यार मैं वॉशरूम में था, तो वॉशरूम नंबर है आपको? यार मेरे हाथ फ्री नहीं थे, मैं हाथ धो रहा था, मैं हाथ धो रहा था, मैं कैसे फोन उठाता? सही है कामन, क्या क्या लेना खाने को यहाँ पे? क्या ये क्या नाम है जी? नेफ नेफ। जब हम कभी ड्राइविंग पे होते हैं ना ट्रक में, तब ऐसा कोई नेफ नेफ नजर नहीं आया ट्रक स्टॉप पे, पहली दफे देखा मैंने ये। इसका खाना क्या? मिडिल ईस्टर्न ग्रिल। अच्छा 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 अच्छा, अरबियों वाला फूड है, पर फिर भी चले नहीं अभी नहीं खाना। मे भी हम शिकागो डिवॉन एवेन्यू की तरफ जाएं, वहाँ से खाएंगे, तो भी यहाँ से ही ले लेते हैं सैंडविच वगैरह। हार्डीज, चले जी हार्डीज ले लो। हाँ जी जी, आप फ्री हो गए तो बता दें हमें क्या ऑर्डर किया है। 3 सैंडविचेस लिए हैं जी, अभी आपने खाना खाना है। हाँ, तुसी आज पटेल को आने पे हो? यस। सैम नाल की आ गए, तो तुसी कहंदे पे हो जी डबल डबल खाना। लंच ना करें हम? अरे आज की तो निहारी खवा दो ना, मजा आ जाए। चलो ठीक है, ट्रक मिलने की खुशी में आप खिलाओ ना हमें निहारी। ट्रक कंपनी वाले को खुशी हो, मुझे फिर आपने तो चला बाहर, फिर आपने कर लेते हैं। एक टाइम चलिए देखते हैं, अभी 1 घंटे की ड्राइव है जहाँ पे इसको ड्रॉप करना है, 1.5 घंटा लग जाएगा, ट्रैफिक गुजर के जाना है शिकागो की, तो वहाँ पे भी टाइम लगेगा, इसलिए हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं, फिर वहाँ पे हमें देखिए कितना टाइम लगता है, उस दौरान हम सायरा भी लेके जाएंगे, निहारी खिलाएंगे। यस, दीवान है अभी से। ओके ठीक है सायरा, ओके लेके मैं जाऊंगी, खिलाएंगे काम। लेके जाना भी बड़ी बात होती है काम ना, इतनी ट्रैफिक में से गुजर के जाना, कंस्ट्रक्शन इतनी, बारिश, मौसम खराब, तो जाना ही बहुत। सायरा 3 घंटे ड्राइव करके ही बारिश में ट्रैफिक में, अब सायरा ने जाना भी वापस, बनता तो है कि सायरा को निहारी रहने दे, घर चलते रेस्ट कराए, रेस्ट करवाए, 3 ड्राइव कर लिए। चले जी आज हमारा खाना करो। मैंने लिया जी चिकन सैंडविच, सर आपके क्या? बीफ पैटी। मेरा भी बीफ वाला है। हाँ जी, कैसा जी, मजे का बनाया उसने, फ्रेश है ना? कामन, काम खाओ, अभी अपने निहारी खिलानी है। खिलानी है, थैंक यू।
चलें जी जल्दी से खा लें फिर मिलते हैं। देखिए बर्गर्स हमने खा लिए हैं और अभी जरा सायरा की गाड़ी में हवा का हमें जरा एयर डाल लीजिए जरा। $2 की हवा सिर्फ फ्रंट में ही है सारी चेक कर ली। चल भी सैम जरा हवा डाल दे रहा तुझे पता चले अमेरिका में कैसे हवा डालते हैं। अच्छा इसका मैनुअल वाला मीटर है। अच्छा सैम 4 रुपये थोड़े थोड़े चेक कर ले क्योंकि आपको भी पता जी ये गाड़ी हमारी 365 दिनों में तो 300 दिन खड़ी रहती है। अच्छा मैं ट्रक लेके आ गया आ रहा हूँ तो आप भी बाहर आओ ठीक है। चलो जी निकले यहाँ से और इसको ड्रॉप करें यार्ड में क्योंकि इसके कुछ काम होने वाले हैं बाकी तो इसको जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचाना बहुत लाजमी है। ले जी पूरे 1.5 घंटे बाद यहाँ पे हम पहुँच गए कंपनी की ये वाली यार्ड पे। अब यहाँ पे ट्रक को ड्रॉप करेंगे वो इसकी करवाएंगे डिटेलिंग और जो भी बाकी के इसके छोटे मोटे काम है। सायरा भी पहुँच गई थी सायरा गाड़ी में थी इसलिए मेरे से पहले पहुँच गई और ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा थी। जी जल्दी जल्दी कामरान जी तुसी ते मेनू सही अज ड्राइवर बनाया थका मारिया तुसी अथों फटाफट निकलो ते मेरा पेंट को ट्राई करा दो ताड़ी मेहरबानी ये कल निकल के कोई लोड शोड लाएगा तो फिर आना मुश्किल होएगा तो वो सबसे जरूरी काम है तो वो यहाँ से वह है जी 65 माइल्स नीचे जाना पड़ेगा आज तो सारा दिन है जी नहीं जाने का। ओके जी हम फाइनली शॉप पे आ गए जाकर ट्राई ऑन करते हैं। सर आप भी ले लो यार। हेलो हाउ आर यू क्या कह रहे मुझे तो लग रहा है सैम को पसंद आ रहा है। हेलो कामरान जी ट्राई कर ले जी आ चुके हैं हम लोग और कामरान जी ने ट्राई भी कर लिया तो ट्राई करने के बाद मुंह देख सकते हैं आप तो मुंह देखने के बाद आप हिसाब लगा सकते हैं कि हुआ क्या है। आप बताएंगे कि मैं बताऊं तन मजाक लगता पे हाँ कोट खुला तो पैंट टाइट पैंट नहीं के बांधी नहीं हो रही मतलब दहाई किसी की दहावे तो इसलिए हम दिखा नहीं सके क्योंकि पैंट आई नहीं है। नहीं यार नॉनसेंस लोग ने यार लंबाई उदी बड़ी है पैंट को बांध नहीं हो रही कोट थोड़ा जा खुला है। चलो हम आपको पाकिस्तान से मेजरमेंट दे दो की पहले कितने 1 महीना पहले मेजरमेंट दे के गया है तो 1 महीने के बाद आके फिर भी वैसी हिसाब से नहीं आए। दूसरा कह रहे कि वो बड़े वेस्ट की पैंट मंगवाएंगे तो नीचे से खुली होगी वो नीचे से खुली होगी तो मैं कहूं ताड़ा की काम में करन देंगे अगर नीचे से खुली होगी तो फायदा क्या। अजीब ही यार मुझे। चलो आप टेंशन ना लो देखते हैं अब जी क्या होता है। चलो जी निकलिए गुस्सा चढ़ गया। चलो गुस्सा ना करो कोई बात खुले ही पहन लेना यार कामरान क्या है ने पांच से कहां किसी ने पसंद करना है किसी ने पसंद करना आपको डन जो आपको टेंशन है इसलिए जो पाकिस्तान में सही है भाई रेडीमेड लो या सिलवाओ या सब कुछ आपकी फिटिंग के मुताबिक कार्ड तो पेट्रोल तो डलवा रहे हैं गुस्सा तो चलो ठीक है सैम डलवा रहा है चलो ठीक है। चलो जी गैस भी डल गई है हुण कुछ खवा दिओ सेरा जी प्रॉमिस तुसी कीता सी निहारी 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 रोला पाया सी कितने तारी निहारी यार आपके वो पेंट कोट की वजह से ना सारा मूड ही खराब हो गया। सही बात मैं तो कहती हूं रहने देते हैं नहीं नहीं अब खिलाओ भूख बहुत लगी हुई है ये मूड खराब हो गया रहने दो काम में अभी हमारे पास टाइम है जब तक ट्रक डिटेलिंग हो रही है उसकी तब तक हम जरा खाना शाना खा के उसके बाद फ्री हो जाएंगे और फिर जाके ट्रक पिक करके घर जाएंगे तो चलो जी खाइए निहारी जरा। One hour later. जी 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम इस वक्त एंटर हो गए हैं डिवॉन एवेन्यू शिकागो की मशहूर तरीन स्ट्रीट है ये यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं बोटीक्स हैं और काफ़ी सारे ये लगेगा जी ग्रोसरी स्टोर्स हैं आपको लगेगा जी कि आप इंडिया या पाकिस्तान के किसी शहर में आ गए हैं। ये क्या लिखा है जी दिल्ली दरबार जैसे कि ये देखिए जी इंडिया का एक रेस्टोरेंट है दिल्ली दरबार ये क्यों है जी ग्रोसरी स्टोर है एक ये क्या जी शिनवारी पाकिस्तानी कुजीन है म्यूजिक हाउस ये क्या आइटम है सर दाढ़ी कहाँ लगाएं पहले ये आप कहीं भी आप लगा दो यहाँ पे ये भी एक ग्रोसरी स्टोर है
तो यहाँ से जी आपको ये देखिए अनमोल रेस्टोरेंट बंद हो रही है, ये देखिए ना ये मिलवाकी में भी है अनमोल रेस्टोरेंट। चले बाकी आपको बाहर निकल के दिखाते हैं। सर पार्किंग ढूंढो यार, यहीं पे लगाओ इधर, यहाँ पे जी पार्किंग का बहुत रोल है। जरा सी आपने गलत जगह पे लगाई या अगर मीटर पार्किंग नहीं की तो फौरन से पहले टिकट मिल जाएगी जी आपको। यहाँ पे ये ज्वेलर शॉप से यहाँ पे देख सकते हैं, आई थिंक ये लग रही है बुटीक से। हाँ इसके आगे लगा दो यहाँ पे, ठीक है। ले जी गाड़ी पार्क कर ली हमने यहाँ पे, और अब ले जी पार्किंग, क्योंकि शिकागो में पार्किंग लेना बहुत ज़रूरी है। शॉप से बंद होगी क्योंकि 8 बज रहे हैं शाम के, तो थक गए हम जी बहुत ज़्यादा आज ट्रैवल कर करके घूम घूम के। अब भूख भी लग गई है और खाना भी खाते हैं। ये देखिए जी बड़े बड़े देसी ग्रोसरी स्टोर हैं, ज्वेलर शॉप है, वो बुटीक्स वगैरह देखे हैं आपको, पटेल ब्रदर्स, ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है। क्या कह रहे हैं? कुर्ता सही है, पहले कुछ खा लिए। भागो भागो सायरा भागो। ये जी रेस्टोरेंट अलीज निहारी, एक दफा मैं सायरा ने खाए थे, बहुत ही मजे की निहारी जी। ओके जी सायरा ने सुबह से की थी ख्वाहिश के जिम खानी है निहारी, एक है नली निहारी और एक है मगज वाली, है ना? ये मगज है ना? हाँ। अच्छा जी, और साथ में ये मजेदार ना। और हाँ 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 खाने के लिए बाजू फोन कर दी पड़ी। ले भी सेम, आज तुझे लाहौर की याद आने वाली है। लाहौर की ये मुझे पसंद है या नहीं, बट तूने ये खानी है। पसंद क्यों नहीं भी, इसको देखो तो सिर्फ मजे आ जाएंगे। इसने कहा ना मैंने रहना इधर है। वाह जी वाह, दिमाग बहुत काम कर रहा है। ज्यादा जरूरत है ना, मैं तेरा दिमाग खाना मान सही कह रहा हूं। नली किधर है? नली भी आ रही है। हां जी सर जी, रात की थकान पूरे दिन दी लेवल हो गया। मजेदार। हाँ जी अमन जी, मैं इतनी ज्यादा टाइम नहीं लगा सकती वीडियो के लिए। मजेदार। चलें जी खाना खा के मिलते हैं। अमन जी घूम के मंगवा लिया। ये चीज तो मिस थी सर, नली बहुत गर्म है। नली के बगैर तो सर निकाले कैसे यार, चम्मच बता दो, चम्मच के साथ ही ना के साथ ना। कमर थोड़ी ठंडी हो लेने तब हमारा पैकेज पूरा होगा। नली मगज चलेंगे। A few moments later. कमर यार वो तो कुकियां पे आ रही है, कुकियां तो छोड़ो, इनको ही क्यों करवा दिया उन्होंने ऐसे। निकल दे छड़े जी, इतनी ठंड हो गई जी। लो जी बसे से हमने खाना खा लिया है, बहुत मजेदार। मैं कहता हूँ चासा आ गया। तो लास्ट फाइनल काम है, ट्रक हमारा साफ हो चुका है, मैसेज आ गया है कि इसकी डिटेलिंग हो चुकी है, और अब जाके जी हम ट्रक पिक करेंगे और उसको ट्रक को सीधा ले जाएंगे घर, और बाकी फिर आपको पता ही है, बाकी मामला पता ही फिर आपको क्या करना ट्रक के साथ। तो चले सबसे पहले, बल्कि सबसे एंड में जाके ट्रक पिक करें। ठंड हो गई ना सारा, वो जी शिकागो में ठंड स्टार्ट हो गई है। टिश्यू नहीं आया? ठीक है ले आए वहां से। तमन जीजी दिया उन्होंने, सो उन्होंने कह रहे इतनी ज्यादा खाना खा लो, निहारी शहारी खा लो तो हजम करने के लिए ये दिया। उसको काफी सारी लेनी थी। मैं तो अपने हिसाब से अपने लिए लेके काफी सारी निहारी हमने हजम करनी है। हां भी जाम कैसी रही निहारी भी? बहुत मजा। तुझे ले गए पीछे 2 महीने पीछे लाहौर ले गए तुझे? ले लिया ना। सीधा मजाक छूंगी चला गया। कौन सी वाली वो थी? मोहम्मदी नहीं आ रही। मोहम्मदी नहीं आ रही है। लो जी मजा बहुत आया, थक भी बहुत गया, सारा दिन प्याज जैसे चक्कर चला गया। चले निकले यहाँ से, शिकागो की गलियां देख लीजिए, ये देखे यहाँ पे ज्यादा वन वेज है जी। उतनी सी जगह में लगानी है, चेक करो जी, फुल बटा फुल। ओके जी फाइनली हम अपने ट्रक के पास पहुंच गए हैं, बस यहाँ से ट्रक पिक करेंगे और रफू चक्कर हो जाएगी। ले जी ट्रक हमारा हो गया है साफ, बस इसमें सामान वगैरह डालना है जी सारा, गुड टू गो।
ओके जी, फाइनली हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं। सुबह के निकले हैं जी, और देख ले सारा दिन लग गया, रात हो गई है, और अब जाके कब सब कुछ सेट हुआ। तो मगर ट्रक की सफाई बहुत लाजमी थी, और डिटेलिंग में जब जी 2 से 2.5 घंटे ज़रूर लगते हैं। तो अभी भी मेरी सीटें थोड़ी सी ना हल्की हल्की सी गीली भी हैं, और कोई नहीं, रात सारी पड़ा रहेगा तो सुबह तक ये ड्राई भी हो जाएगा। ओके जी, फाइनली हम अपने घर के पास ये ट्रक स्टॉप है वहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे मैंने ट्रक पार्क कर लिया है। हम लोग घर पहुँच चुके हैं, और बता दें जी 11 बज रहे हैं, तो सुबह 8 बजे के निकले। हाँ जी, तो फाइनली बस ट्रक पार्क कर दी है, और अभी जा रहे हैं घर, रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह हमने फिर निकलना है। तो सुबह की डिटेल आपको सुबह देंगे, लेकिन अभी जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दें, और देर से अपना प्यार दें। तो मिलेंगे आपको कल नए दिन के साथ और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय जी, बहुत थक चुके हैं अभी। बाय बाय।